आप सभी को मेरा जय हिंद। मेरा नाम है अभिषेक ओझा और आप सभी का मैं बिहार योद्धा पर स्वागत करता हूँ। आज हमारा सेट जीरो सेवन चलेगा, सेट सिक्स तक हमारा कंप्लीट हो गया है। सेट सेवन के बाद तीन सेट और आएगा, लेकिन वो तीन सेट आने से पहले मैं आज से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हूँ आपके संडे स्पेशल वाले क्लास का। जो संडे स्पेशल वाला क्लास है वो आपको 1:12 PM दोपहर में मिलेगा। मैं आशा करता हूं आप लोग इस वीडियो को इतना प्यार देंगे कि मैं बहुत जल्द और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगा। थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा आपको चेहरे पे थकान दिख रहा होगा, आँखों में थकान दिख रही होगी, लेकिन हाँ शरीर नहीं थका है क्योंकि बहुत ऊँची उड़ान उड़ना है। फिर भी मैं खड़ा होकर क्लास ले रहा हूँ, रात के बहुत लेट टाइम हो चुका है। तो मेहनत करते रहो जीवन में, जीवन में जितना संघर्ष करोगे उतना ही आगे जाओगे। संघर्ष से बचोगे तो ऊंचाइयाँ भी कम पाओगे। तो आपको संघर्ष से नहीं डरना है, आपको ऊंचाइयों को देखना है और लड़ते रहना है, संघर्ष करते रहना है। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, इसे पढ़ के सॉल्व करने का कोशिश करिए। बोला गया है कि 12 पुरुष एवं 16 लड़के मिलकर किसी भी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 13 पुरुष और 24 लड़के मिलकर एक ही काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, 1 पुरुष और 1 लड़के को 1 दिन के काम का अनुपात बताएं। सवाल को समझो कि 12 men and 16 boys टुगेदर कैन कंप्लीट एनी वर्क इन 5 डेज, 13 men and 24 boys टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 डेज, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय अ मैन एंड अ बॉय इन अ डे। आसान भाषा में आपको एफिशिएंसी बता दो, काम हो जाएगा। एफिशिएंसी बता दो, काम हो जाएगा। मैं बोलूं कि 12 पुरुष तो 12 men, 16 लड़के मतलब 16 boys कितने दिन काम कर रहे हैं सर? 5 दिन काम कर रहे हैं, ये भी काम हुआ। और अगर मैं बोलूं तो ये भी तो काम ही हुआ जब 13 आदमी और 24 औरत औरत नहीं बॉयज, चार दिन तक काम किए। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं बोला कि मान लो मैं 4 घंटे क्लास लेता हूं, आप 8 घंटे क्लास लेते हैं, तो मैं और आप मिलके कितने घंटे में क्लास खत्म कर देंगे? तो वही है कि इतने लोग मिलके इतने देर में काम कर रहे हैं, तो ये इंटू ये। अब मैं अगर बोलूं मेन को एक साइड और बॉयज को एक साइड करो, तो मल्टीप्लाई करो, 12 × 5 = 60 men + 80 boys बराबर होगा 13 × 52 men + 24 × 96 boys। मैं क्या किया, 52 men को इधर लाया, तो 60 men - 52 men = 96 boys - 80 boys, 8 men = 16 boy, men/boy = 16/8, उत्तर आया आपका 2/1 जब आप 8 से काट दोगे। मुझसे पूछा गया था मैन और बॉय का अनुपात बताएं, तो 2:1। इस सवाल को कर लिए, लेकिन कभी कभी एग्जाम में एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा देता है। वो ऐसे करेगा, आखिर में जाके पूछ लेगा। देखो ये सब चीज़ें ना अनुभव से आती है, मैं आपको बहुत छोटी सी चीज़ें सिखाऊंगा। वो लास्ट में जाके बोलेगा एक लड़का और एक आदमी का अनुपात बताएं, और फिर से ऑप्शन ये 2:1 देगा, और एक ऑप्शन मान लो बी वाले को 1:2 दे देगा। अब आप तो पेपर में हो, थोड़ी जल्दीबाजी रहती है, थोड़ी नर्वसनेस रहती है, थोड़ा प्रेशर रहता है। अगर आप पेपर दिए हो मेरे लाल मेरे भाई, आपको पता है ना कितना हड़बड़ाहट रहता है, जल्दी जल्दी करते हैं जल्दी करते हैं। उस जल्दी जल्दी में आप इसे टिक कर दोगे और गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये आंसर बॉय रेशियो मैन पूछेगा तो 1:2 होगा। ये क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मिस्टेक बच्चे कर देते हैं। तो आपको इस मिस्टेक से बचने का एक तरीका है कि री रीड द क्वेश्चन बिफोर मार्किंग योर आंसर। सवाल को आप एक बार और पढ़ें आंसर मार्क करने से पहले। तो क्या सवाल में पढ़ना था कि 1 पुरुष एवं 1 लड़के का अनुपात बताएं, तो पुरुष और लड़के का अनुपात।
अगर मुझसे पूछता कि एक लड़का और एक पुरुष का अनुपात बताओ, तो मैं क्या करता मेरे लाल, मैं 2:1 की जगह 1:2 टिक करता। क्लियर है? जी सर क्लियर है। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। अगर आपको छापना है तो लिख सकते हैं, नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। मैं तो बोलता हूं कि ये जो सवाल है ना, जो आपके पेपर बनाने वाला पेपर सेटर है, इसका फैन है। हर सेट में ऐसा सवाल डाला है, इसको रट जाओ। इस फॉर्मूले को मैं पहले सेट में कराया हूं, दूसरे सेट में कराया हूं, तीसरे सेट में कराया हूं, चौथे पांचवें में शायद नहीं कराया हूं, छठे सातवें में भी कराया हूं। ये क्या है कि जब भी आपको दो इंक्रीज हो परसेंटेज का, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होगा। याद है? जी सर। अब मुझे ये डराने के लिए गोला वाला लिखेगा, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि दो डिक्रीज हो तो क्या होगा, अगर दोनों बढ़ेगा, इट मींस दोनों में इंक्रीज होगा, तो ये होगा। अगर दोनों में से दोनों ही घटेंगे तो आपका ये होगा। माइनस कॉमन कर लो तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। अगर घटेगा इट मींस डिक्रीज होगा। अब यहां गोला वाला डराने के लिए दिया गया, स्फेर उस पर का कोई यूज नहीं है। बोला है गोले का व्यास 25% कम कर दिया जाए, द डायमीटर ऑफ ए स्फेयर इज रिड्यूस्ड बाई 25%, हाउ मच विल इट्स कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। सर पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो रेडियस दो बार यूज हुआ होगा, क्योंकि जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr². क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 4πr² क्लियर है। अब मैं अगर आपसे बोलू कि यहां पर रेडियस कितनी बार है, r × r दो बार, मतलब एक बार रेडियस 25% से कम हुआ होगा और दूसरी बार भी 25% से कम हुआ होगा। जो व्यास है मेरे भाई मेरे लाल मेरे गुड्डा, वो दो बार कम हुआ होगा। हाँ सर दो बार कम हुआ होगा। तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, ये सब देखना ही नहीं, सब तो याद ही नहीं करना। मैं सीधे 25% से कम है तो 25 + 25 - 25 × 25 / 100, तो 50 - 6.25, उत्तर हुआ 43.75%। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। हलवा सवाल था, कुछ भी नहीं करना था, एक लाइन में उत्तर आ गया। इस सवाल को तो मैं देखते ही उड़ा दूंगा पेपर में, आएगा जरूर इस पे सवाल, नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो मैं दो तीन बातें हमेशा बोलता हूं, जिससे कुछ लोग अभी तो नेगेटिव बोलना शुरू कर दिए, बार बार क्यों बोलते हैं यार, बार बार बोलना पड़ता है। मैं एक बात बताता हूं कि अब मैं ये बात क्यों बोल पा रहा हूं। जनरल लोगों से आप पढ़ोगे, जनरल टीचर से पढ़ोगे, जो आता है रटा रटाया चीजें लेके, बेटा ये होगा आंसर, तू ऐसे कर ले, ये होगा आंसर ऐसे ऐसे, तो वो बच्चे सीखते हैं। लेकिन उससे मेरे भाई सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि सर खुद सिलेक्शन लिए हुए हैं, सर ने खुद उस पोस्ट को अचीव नहीं किया है। तो मैं आपको ना वो चीजें हमेशा बोलता हूं ना, जिससे आप ध्यान रखो कि जो सामने खड़ा है वो सिलेक्शन लिया है, तो हम उस पॉइंट को हर बार नोट करूंगा, मैं पिन करूंगा, इस बात को ध्यान देना ये पेपर में आएगा, इस बात को ध्यान देना ये पेपर में आएगा, क्योंकि पेपर का अनुभव है। और पेपर के अनुभवी लोग क्या करते हैं ना, कि 50 सवाल आ रहे हैं, 100 सवाल आ रहे हैं, 20 सवाल आ रहे हैं, 10 सवाल आ रहे हैं, उसमें से कुछ सवाल तो उनको पता है कि आएगा ही आएगा, तो उस पर वो नोट कर दिए ये आएगा। अब आप बच्चा जो मेरे से सुन रहा है वो सुन लिया कि हाँ अभिषेक सर बोले हैं ये आएगा, इस पर थोड़ा फोकस कर देना है। अब क्या होगा, जब वो पेपर में आएगा तो जहां अदर बच्चे ये सोचेंगे कि मैं कैसे बनाऊं, किस तरीके से करना शुरू करूं, हो सकता है वो बना ले, लेकिन वहीं पे आप मेरे से पढ़े हो तो आपको क्या फायदा होगा, अच्छा ये तो बताए थे सर ऐसे होगा, निकल गए बना के। यहां पे आप समय को डिक्रीज किए
और अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज किए, बस यही डिफरेंस क्रिएट करता है एग्जाम में। जो खूब खुश और खूब कॉन्फिडेंट हो जाता है ना, तो दो सवाल जो उसको नहीं आ रहे थे ना, उस पर भी वो सोच सोच के बना लेता है, और जो थोड़ा सा दुखी और नर्वस हो जाता है ना, उसको आते हुए सवाल गलत करता है। तो मैं आपको ना सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ाता, मैं आपको वो पेपर पास करके सिलेक्शन कैसे लेना है, रिजल्ट कैसे लेना है, वो सिखाता हूँ। समझ गए? तो आप इस बात को ध्यान रखना, इस सवाल को भी ध्यान रखना। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन होगा? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ए 675 इज मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट विल बी अ परफेक्ट क्यूब? परफेक्ट क्यूब कब होगा? अब मुझे तो पता नहीं ये नंबर में क्या क्या है, तो पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। अब देखो, जो तेज बच्चा होगा ना, उसको गुणनखंड करने का विधि कुछ और होगा। मैं सिखाता हूँ तेज बच्चा के लिए भी, अगर आपको वो अच्छा लगेगा तो अब बताना कैसा लगा। अभी मैं आपको बेसिक बच्चा का सिखाता हूँ। बेसिक बच्चा ऐसे करेगा, 675 है, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पचे 25, फिर 5 से काटा 27 बार में, फिर 3 से काटा 9 बार में, फिर 3 से काटा 3 बार में, मल्टीप्लाई किया तो 5 गुणे 5, 5 का स्क्वायर, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का क्यूब। अब ये अगर ये भी एक 5 मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 5 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा, तो ये 15 का क्यूब हो जाएगा, तो पूरा का पूरा संख्या घन बन जाएगा। कब? जब हम लोग यहां पर एक और 5 से मल्टीप्लाई कर दे, है ना मेरे लाल? हाँ सर। तो मुझसे पूछा गया है किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, तो 5 से। ये एक जनरल बच्चा करेगा जिसको बिल्कुल छठी सातवीं का भी मैथ्स कमजोर है। अब बोलता हूं कि जो जिसको ना, जो मेरे से खास करके पढ़ा है, बिकॉज नंबर सिस्टम इज माई फेवरेट पार्ट, मैं उसे ऑब्जर्वेशन ऑफ नंबर सिखाता हूँ कि नंबर को देखने के बाद आप उसमें क्या क्या चीजें देख सकते हो, उस नंबर में कौन कौन से नंबर अंदर में छिपा हुआ है, उसको हम लोग गुणनखंड कैसे करें, फैक्टराइज कैसे करें। देखो, 675 है, जी हाँ। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, 676 माइनस 1, ये मन में वाला पार्ट है, मैं लिख लिख के दिखा रहा हूं। इसे मैं लिख दूं ऐसे, 26 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे मैं लिख दूं 26 माइनस 1 ए माइनस बी, इसे मैं लिख दूं 26 प्लस 1, तो ये 25 गुणा 27 आ गया। अब ये ऑलरेडी क्यूब था, इसमें 5 मल्टीप्लाई करना था। अब कोई देखता तो बोलता ये 25 इंटू 27 है, 25 में 5 मल्टीप्लाई कर दो, काम बन जाएगा। क्लियर है? एकदम धांसू तरीके से क्लियर बा, मजा आ गई, बहुते मजा आ गई है ना। चलो नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करो, बकैती नहीं, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन राइट नाउ, ट्राई करो पॉज करके, खाली सॉल्यूशन नहीं देखना है। एक सवाल, एक साल में 5,000 रुपये बढ़कर 5,700 रुपये हो जाते हैं, तदनुसार समान ब्याज दर पर 5 वर्ष बाद 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे? चलिए करिए, चलिए करिए, फटाफट से करिए। चलो मैं पहले इसको बेसिक अप्रोच से कराता हूं, प्योर बेसिक अप्रोच, बेसिक। बेसिक अप्रोच में क्या है कि 5,000 रुपया था एकदम सर, ये क्या हुआ, ये 5,700 रुपया एक साल में हो गया, जी हाँ सर। पूछा गया है कि 7,000 रुपये 5 साल में सेम इंटरेस्ट रेट पर क्या देगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, कर लेते हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, है ना मेरे लाल? यस सर, यही होता है। अब मैं अगर बात करूं कि मेरा इंटरेस्ट कितना है,
तो 5,000 के ऊपर 700 रुपये का इंटरेस्ट मिला होगा, तभी तो 5,700 बना होगा। यस सर, तो 700 मेरे ब्याज है, 5,000 मेरा प्रिंसिपल है, रेट मुझे पता नहीं है, टाइम मेरा 5 साल है और बोला गया है कि रेट निकाल लो। निकाल लेता हूँ, बहुत आसान है, निकाल लें, निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है, ठीक है। 14 आना चाहिए, आ नहीं रहा है क्या? अच्छा, टाइम 1 साल है ना। देखो यहाँ पे बोला गया है कि 1 साल में, तो यहाँ एक टाइम है। अब मैं, आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने 14 क्यों बोला, यहाँ गलती कर रहे थे फिर भी आपने सही कैसे बोला? तो मैं आपको अभी रैंकर अप्रोच सिखाऊंगा, तो बताऊंगा कैसे सही बोला। अभी आपको ना एक तरीका सिखाऊंगा कैसे देखते आंसर बता देना है क्या आएगा 1 सेकंड में। अभी आपको रैंकर से अप्रोच सिखाऊंगा, ये बेसिक तरीका है। अब मैं बोला रेट मेरा 14% है, तो मैं इंटरेस्ट निकाल देता हूं कि अगर मेरा प्रिंसिपल 7,000 है, टाइम मेरा 5 साल है, रेट मेरा 14% है, जो मेरा ब्याज आएगा वो क्या आएगा? 14 × 5 = 70, 7 × 7 = 49, 4900 का ब्याज आएगा। मुझसे पूछा गया कि मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन को हम लोग अमाउंट बोलते हैं, और जो अमाउंट होता है मेरे लाल और प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ने पर जो आता है उसे हम लोग अमाउंट बोलते हैं। अब मैं अगर अमाउंट निकालना चाहूँ तो ये मेरा 7,000 प्रिंसिपल था, इस पे 4900 का आपका ब्याज आया था, तो 11,900 मेरा मिश्रधन बन के आया होगा। क्लियर? एकदम क्लियर है सर, कोई डाउट, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं है। ऐसे करोगे पेपर में? नहीं करोगे ना, ऐसे नहीं करना है आपको, आपको तो पेपर टॉप करना है। ऐसे तो वो लोग करेंगे जिन्हें फेल होना है, जिन्हें अच्छे से नहीं आती मैथ्स, ये तो उनके लिए है जो सीखेंगे, बिगनर एकदम बच्चे हैं। आप तो मेरे से पढ़ रहे हो ना, आपको मैं सिखाऊंगा कैसे जल्दी करते हैं। आ जाओ, देखो करना बड़ी बात नहीं है, 5वीं 6ठी 7वीं का मैथ है, समय पर करना बड़ी बात है। ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, सवाल को कर लेना बड़ी बात नहीं है, सवाल को परीक्षा हॉल में समय पर कर लेना बड़ी बात है। आइए मैं सिखाता हूं। मैं बोला कि 5,000 रुपये के ऊपर 700 का ब्याज था, जी सर, 5 से काटा, 5 × 5 = 5, 14 × 5 = 70, 1,000 के ऊपर 140 का ब्याज है, मैं 0 0 काट लिया, 100 के ऊपर 14 का ब्याज है, मतलब 14% का ब्याज है। तो मैं यही काम किया था यहाँ पे, 0 0 काट लिया था, 14 से काट लिया था, तो मैं बोल दिया था 14% आएगा, यही काम मैं किया था यहाँ पे। अब मैं सवाल को देखते ये बात कर दूंगा कि मैं काट दिया 0 से 0 और 5 से 14 × 5 = 70, तो 100 के ऊपर 14 का ब्याज है, मतलब 14% का ब्याज मिल रहा है। 14% इस वजह से क्योंकि समय 1 साल है। अब मुझे 7,000 के ऊपर 14% के दर से 5 साल के लिए बताना है, तो 14 × 5 = 70, 7,000 के ऊपर 14 × 5 = 70, 14 × 5/100। तो ये ऐसे तो सब करेंगे, ऐसे सब करेंगे, ये जो मैं पीछे सिखाया हूं यहीं पे यही सिखाया हूं ना, लेकिन ये भी नहीं करना आपको, आपको क्या करना है? अब मैं बोलू 5 साल के लिए 14% पर कितने का ब्याज आएगा, 14 × 5 = 70% का ब्याज आएगा, 14 × 5 = 70% का ब्याज आएगा, तो जो इसका मिश्रधन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा सर? इसमें 100% एक्स्ट्रा होके 170% बन जाएगा, तो जो मिश्रधन आएगा वो 7,000 का 170% आएगा।
7000 का 170%। 170% का मतलब 170/100। ठीक, 11900 डायरेक्ट कर दिए, नहीं समझा? फिर से सिखाऊं? चलो सिखा देता हूं। 14% कैसे आया समझ गए? 5 से काट दिया, 14 से 5 70, 0 से काट दिया, 100 के ऊपर 14 का ब्याज, मतलब 14% का ब्याज होगा। अब 14% का ब्याज यहां पे भी लेंगे 5 साल के लिए, तो 14 गुणे 5, 70% का ब्याज मतलब इंटरेस्ट मिलता, 70% इंटरेस्ट मिलता, लेकिन मुझे मिश्रधन चाहिए, तो 70 में 100% और ऐड कर दिया, तो 170% मिश्रधन होगा। 7000 का 170% निकाला, 11900 आ गया। यह है मेंस लेवल अप्रोच। अगर आप भारत का परीक्षा देते हो कोई सीजीएल लेवल का, तो मैं ऐसे सवालों को ना पेन नहीं उठवाता जो मेरे से पढ़ते हैं। अभी तो कल या परसों में आंसर किया आया था, बहुत सारे बच्चे हैं जो टॉप करेंगे, पूरे भारत में टॉप करेंगे, मेरे पेड बैच के स्टूडेंट है, एप्लीकेशन पे पढ़े थे वो लोग, मेंस का बैच था जिसमें, तो काफी बच्चे ऑल इंडिया में रैंक लाएंगे, उनका उनका जो पोस्ट मिलेगा, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेगा, कोई असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मंत्रालय में बनेगा, कोई जीएसटी इंस्पेक्टर बनेगा, कोई एईओ ईडी जाएगा, कोई सीबीआई में जाएगा, अच्छे अच्छे पद पर जाएंगे। तो वो लोग पेपर को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूं। अगर मैं सीजीएल को पढ़ा रहा होता मेंस लेवल को, तो मैं क्या सिखाता? बोलता देखो बेटा, 14% यहां हुआ, 14 × 5 = 70, 170% निकाल लो, 17 × 7 = 119। समझ रहे हो? फिर से एक बार बोलता हूं, 14% यहां हुआ, 14 × 5 = 70% का ब्याज हो जाएगा, और 70 में 100% और जोड़ दिया, 170, 17 में 7 से कहिए, 17 × 7 = 119 आंसर। मैं वहां विदाउट पेन या फिर कम से कम लिख के वर्बल अप्रोच सिखाता हूं, जिससे ना आप पेपर को टॉप कर पाओ। क्लियर है? जी सर। आइए नेक्स्ट सवाल को करिए। चलिए, राम के व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है, उसकी आय 10% बढ़ जाती है, उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने बढ़ेगी? आपको इतना तो पता है ना कि जो इनकम होता है वो बराबर होता है एक्सपेंस प्लस सेविंग के, जो आपका आय होता है वो हमेशा खर्च और बचत के सम के बराबर होता है। खर्च को ही व्यय बोलते हैं, चिंता मत करना, खर्च को ही व्यय बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, यहां पर बोला कि 3:2 में बचत का अनुपात है। जब मैं शुरुआत का क्लास पढ़ा रहा था, मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे गुड्डा, तो मैं एक स्टेटमेंट सिखाया था कि जब भी आंसर प्रतिशत में हो, परसेंटेज में हो, प्रतिशत में हो, तो आपको रियल डेटा नहीं यूज करना है। इसका मतलब क्या है सर? ये बात को आप, मैं बोल दिया हूं, वेन एवर आंसर इज आस्क्ड इन परसेंटेज, नेवर यूज रियल डेटा, या फिर डोंट यूज रियल डेटा। यू कैन गो विथ रेशियो और मल्टीप्लायर ऑफ रेशियो और डिवीजन, एनीथिंग एल्स। जब भी आपसे आंसर प्रतिशत में पूछा जाए, तो आपको रियल डेटा नहीं यूज करना है। आप वास्तविक संख्याएं को मत यूज, मत एप्लीकेशन में लीजिए, आप उसको रेशियो काट लीजिए, उसे किसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि रेशियो काटने और उसमें कुछ मल्टीप्लाई करने से प्रतिशत में इफेक्ट नहीं आता है। बिकॉज व्हेन आई मल्टीप्लाई और डिवाइड अ नंबर, देयर इज नो डिफरेंस इन परसेंटेज। अब मैं अगर बात करूं मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया की, इस सवाल में मैं क्या करूंगा,
मैं इस सवाल में करूंगा कि मेरा 3 व्यय है और 2 मेरा बचत है, तो आ जाओ। सर 3 मेरा व्यय था, 2 मेरा बचत था, तो कमाई कितना हुआ होगा? 5। अब मैं बुरे से बोला गया कि आय 10% से बढ़ गई, इनकम को 10% से बढ़ा दिया गया और उसका व्यय भी 12% बढ़ गया। यहां साहब का एक्सपेंस पैसा आना शुरू नहीं हुआ कि खर्चा बढ़ा दिए, तो बताना है सेविंग कितना से बढ़ जाएगा। अब मुझे अगर कोई बोले 5 का 10% निकालो, तो मैं क्या करूंगा, 5 × 10/100, 0 से 0 खत्म, 5 × 2 = 10, 1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.5। मुझसे कोई बोले 3 का 12% निकालो, तो 3 × 12/100, 12 × 36.36। तो मैं देखा कि सर अगर मैं 3 का 12% निकाल रहा हूँ, 5 का 10% निकाल रहा हूँ, तो मुझे डेसिमल में नंबर मिल रहा है। आई गॉट द नंबर इन डेसिमल, ये देख के ही पता चल रहा है 3 × 12 = 36 के आसपास होगा, तो ये डेसिमल में जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं कैलकुलेशन से बचने के लिए, क्योंकि देर आर टू थिंग्स, दो चीजें होती है, एक होता है आपका कैलकुलेशन करने आना, जो कि मैं 30 डेज कैलकुलेशन सीरीज में सिखाता हूँ, आप अगर सर्च करिएगा 30 दिन कैलकुलेशन सीरीज तो आपको मिल जाएगा मेरा ही प्लेलिस्ट, अभिषेक ओझा मैथ्स पर पढ़ाया हूँ। एक बताता हूँ कैलकुलेशन जल्दी कैसे करते हैं, और एक बताता हूँ कैलकुलेशन से बच के कैसे निकलते हैं। अभी मैं क्या सिखाऊंगा, कैलकुलेशन से बच के कैसे निकले, ऐसा लेंदी बन रहा है तो इससे हम बचने भी सिखाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आना चाहिए, ऐसा भी हो कि उससे बचने आना चाहिए। अब मैं बोला अगर मेरा इनकम 500 यूनिट का होता या फिर 500 रुपए का होता तो मेरा एक्सपेंस 300 होता और सेविंग 200 होता। अब मुझसे कोई बोले 500 का 10% निकालो, तो मैं फटाफट कर दूंगा 500 का 10% 10/100, 100 से 100 खत्म, 10/50। 300 का 12% 300 × 12/100 12 × 36। 50 से कमाई बढ़ा 36 से खर्चा बढ़ा, तो 50 से 36 गया, 14 से मेरा सेविंग बढ़ा होगा, और 14 से सेविंग बढ़ा तो 2 से काट लो, ऐसे बोलो देखो 14 रुपये बढ़ गया किसके ऊपर, 200 के ऊपर, 14/200 × 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 × 7 = 14, 7% विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ऐसा क्यों किए आप तो समझ गए ना, ऐसा क्यों किया ये तो आप समझ गए। देखो एक मैं सिर्फ इसे सिखा के जल्दी जल्दी चला जाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, आगे से आपके सामने कभी भी सवाल है तो आप कर ले जाओ, ये हमारा थॉट है। यदि वह वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा, 100%। इफ ही सेल्स द आर्टिकल एट डबल द प्राइस हिज प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, इतना तेज कर लोगे? यस सर, आइए सिखाते हैं, आ जाओ। मैं बोलू अगर 100 रुपया उसका प्राइस होगा तो इसको दोगुना करके 100 × 2 200 में बेच रहा होगा, एकदम सर 200 में बेच रहा होगा। क्लियर? अब मैं अगर बोलूं मेरे लाल कि साहब का फायदा कितने का है, साहब का फायदा है 100 रुपए का, साहब का प्रॉफिट भी 100 रुपया है और साहब का सीपी भी 100 रुपया, तो फायदा बटे सीपी, प्रॉफिट बटे सीपी, प्रॉफिट लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, कितने का फायदा हुआ, 100% का। लेकिन ऐसे तो फिर ये भी बेस्ट अप्रोच है, ऐसा नहीं है खराब तरीके, ये बेस्ट अप्रोच है। लेकिन मेरे लाल आपको ऐसे थोड़ी करना है, आपको कैसे करना है आइए अभी बताते हैं। आप एक टॉपर वाला माइंडसेट रखो, अगर आप छोटा सोचोगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे, आपको ना आगे जाने वाला माइंडसेट रखना है।
टॉप करने वाला, सिलेक्शन लेने वाला, रैंक लाने वाला। कैसे होगा मैं अगर बोलूं, ये बोला मेरे से कि दो गुना कर दिया गया, डबल कर दिया गया। कल को ऐसे लिखेगा टू टाइम्स कर दिया गया, तो मैं बोलूंगा टू टाइम्स किया गया है ना, तो दो से एक कम करके 100% का फायदा होगा। मेरे से बोला तिगुना कर दिया गया, ट्रिपल कर दिया गया, तो थ्री टाइम्स कर दिया गया, तीन से एक कम करके 200% का फायदा होगा। कल को मेरे से बोले कि मैं पांच गुना करके बेच दिया, फाइव टाइम्स करके बेच दिया, फाइव टाइम्स करके बेचा तो मेरे से पांच से एक कम करके 400% का फायदा होगा। कल को बोला मैं दस गुना करके बेच दिया, मैं टेन टाइम्स करके बेच दिया, तो टेन टाइम्स का मतलब होगा कि मेरे लाल 10 से 11 9 100%। देखो मैं हर वो ट्रिक सिखाऊंगा आपको जिससे आपको हेल्प हो, बस आपको एक काम करना है, वीडियोज को इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि आपका व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर ग्रुप में मेरी वीडियो जानी चाहिए। और अगर कोई पूछे कि किससे मैथ पढ़ना है, तो सिर्फ एक नाम आना चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको देखो ये बेसिक तरीका, बेसिक में भी ये एडवांस बेसिक है और ये सुपर एडवांस रैंकर्स अप्रोच सिखा दिया कि आगे से आप सवाल पूछोगे पांच गुना कीमत पर पहुंचा गया, 5 से 11 400% का प्रॉफिट, दो गुना 2 से 1 कम 100% प्रॉफिट। इतना तेज आपको सिखा दूंगा, ऐसा मैथ सिखाऊंगा ना कि आप हर पेपर को टॉप करोगे, मैं वादा है मेरा। और ये गारंटी है कि जो चैप्टर में पढ़ा दिया उस चैप्टर में आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगा। आइए अगले सवाल को करते हैं। एक नल एक टंकी को, ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी इसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिया जाए और नल ए 2 घंटे के बाद बंद कर दिया जाए तो दूसरा नल कितने घंटे में टंकी को भरेगा? आइए, वैसे उत्तर जो होना चाहिए ना, ये दोनों तो नहीं लग रहा है भाई, इसी दोनों में से कोई होगा। मैं आपको बताता हूं क्यों, कि नल ए और बी मिलके कभी भी इस दोनों से कम में ही भरेंगे। नहीं समझ में आया? मान लो मैं अकेला 6 घंटे में कोई काम कर सकता हूं और मैं आपके साथ मिलके 8 घंटे में कोई काम करूंगा, थोड़ी मैं तो कम में करूंगा ना। फिर से एक बार बोलता हूं, मैं बोला मैं अकेला 6 घंटे में कोई काम कर सकता हूं, आप अकेले 8 घंटे में कोई काम कर सकते हैं, और उसी अकेला काम को हम दोनों लोग करने लगे तो हम लोग हमेशा कम टाइम में करेंगे, दोनों मिलके करेंगे तो कम टाइम में करेंगे, आपको 8 घंटा नहीं लगेगा, मुझको 6 घंटा नहीं लगेगा, इससे कम ही लगेगा। तो यही बोला है कि एक 8 घंटे में करता है, एक 6 घंटे में करता है, एक 2 घंटे के बाद बंद कर दिया गया तो टोटल ओवरऑल 6 घंटा से तो कम ही लगेगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसी दोनों में से कोई होगा। आओ करके दिखाता हूं बेसिक से, आपको ये नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सिखा दूंगा। ए 8 घंटे में करता है, बी 6 घंटे में करता है, 8 और 6 का LCM 24, 8 या 24, 6 चौके 24। ए 3 के क्षमता से करता है, बी 4 के क्षमता से करता है, 3 और 4 7 के क्षमता से, 7 के क्षमता से जो वर्क हुआ वो 2 घंटे हुआ, 7 दुना 14 काम हो गया, टोटल 24 यूनिट काम करना था, 14 यूनिट हो गया, तो 10 यूनिट काम बच गया। ये 10 यूनिट कौन करेगा? सर ए तो नल बंद हो गया है 2 घंटे बाद, करने वाला सिर्फ बी है, तो 10/B 4, 2 दुना 4, 2 5 10, तो 5/2 मतलब 2.5, 2 आवर सही उत्तर था। आइए इसको करिए, चलिए करिए। आज का पेपर अच्छा लेवल का था। हीरे के टुकड़े की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुसार बदलती रहती है। द वैल्यू ऑफ अ पीस ऑफ अ डायमंड वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तदनुसार अकॉर्डिंगली यदि 5184 रुपये मूल्य के हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है, इफ अ डायमंड वर्थ 5184 इज कट इन टू 3 पीसेस एंड द रेशियो ऑफ देयर
वेट्स इज 1:2:3। बोला गया है कि यदि उनके वजन का अनुपात 1:3 के हिस्से में काटा जाता है तो हानि ज्ञात करिए। ये सब कंफ्यूज करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी भाषाएं लिखी जाती है सवालों में, आपको उन भाषाओं से कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे क्या बोला गया कि अब ये बोला हीरे के टुकड़े की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुसार है, बदलते रहता है। तो अगर मैं बोलूं टुकड़े का प्राइस P है और वजन W है, तो P बढ़ेगा तो उसका, यही बोला है ना, वजन के वर्ग के अनुसार है, तो वजन को W से रिप्रेजेंट किया तो W का स्क्वायर और P प्राइस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ रहे हो? अब देखो मैं आपको बताता हूं। अब देखो अगर मैं बोलूं कि 1:3, अगर एक हीरा का टुकड़ा 1 kg का हो, दूसरा हीरा का टुकड़ा 2 kg का हो और तीसरा हीरा का टुकड़ा 3 kg का हो, तो टोटल हीरे का वजन कितना होगा? 3, 2, 5, 1, 6 kg का होगा। तो उसका प्राइस कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36। अगर मैं बोलूं बड़े वाले हीरे 6 kg का है तो उसका वजन प्राइस कितना हुआ? 36। अब मैं बोलूं इस 1 kg वाले का दाम कितना होगा? 1 का स्क्वायर। इस 2 kg वाला का दाम क्या होगा? 2 का स्क्वायर। इस 3 kg वाले का दाम क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9। तीनों को मिला के कितना दाम हुआ? 9, 4, 13, 1, 14। हीरा को काटने से पहले 36 रुपये में बेचा जा सकता था, हीरा को काटने के बाद 14 रुपये में बेचा जा सकता है। कितने का लॉस हुआ? 36 - 14 22 यूनिट का लॉस हुआ। पहले 36 यूनिट उसका प्राइस था, अब 22 यूनिट उसका प्राइस है। तो पूछा गया इस तरह से काटने पर होने वाली हानि ज्ञात करिए। तो जो 36 यूनिट की वैल्यू है मेरे लाल, वो कितना गिवन है? मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना गिवन है? 5184। तो एक यूनिट का वैल्यू होगा 5184/36। आपसे पूछा गया होने वाला घाटा बताओ, तो 22 यूनिट का वैल्यू होगा 5184/36 × 22। काट दो, काटने पर क्या उत्तर आएगा? आंसर डी। काट के देख लो, वही आएगा 11 × 22, 18 × 36। 18 से काटे, 18 × 36 कितना बचा? 15। 18 × 8 = 144, 18 × 8 = 144, 288 × 11 वही आएगा। कितना तेज क्यों किया? मुझे 11 से मल्टीप्लाई करने तेज आता है। आपको 11 से तेजी से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं सिखाता हूं। कि अगर कुछ किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो शॉर्ट ट्रिक है ये। क्या है? अगर आप नोट्स बनाना शुरू करोगे मेरे शॉर्ट ट्रिक का, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक हमेशा सिखाना शुरू कर दूंगा। शॉर्ट ट्रिक 01। अगर मुझे करना हो कि सर 12 में 11 से मल्टीप्लाई करो, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इस 2 का 2 और 2 × 1 = 3 और ये 1 का 1। पहले मैं इस 2 को सीधा सीधा लिख लिया, फिर 2 में 1 जोड़ के लिख लिया, फिर 1 को सीधा सीधा लिख लिया। अगर मुझे 15 में 11 से करना हो, 5 की 5, 5 और 1 = 6, 1 की 1 को। अगर मुझे 19 नहीं 23 में करना हो, चलो मैं क्या करूंगा, 3 का 3, 3, 2, 5 और 2। अगर मुझे कुछ ऐसे नंबर को करना है 1, 2, 3, 4 को 11 से, अब आप करके बताओ, 1, 2, 3 को करना है 11 से, 4, 3, 2 को करना है 11 से, 5, 4, 3 को करना है 11 से। चलो जल्दी करो सर, 4 की 4, 4 × 3 = 7, 3 × 2 = 5, 2 × 1 = 3 और 1 की 1। 3 की 3, 3 × 2 = 5, 2 × 1 = 3,
एक की एक। दो का दो, दो तीन पांच, तीन चार सात, चार का चार। इसको करके आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि 543 × 11 क्या आएगा। कमेंट आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए। नहीं आएगा तो मैं एक घर में घुस जाता हूँ रात को और ऐसे फफेलिया पकड़ लेते हैं, मतलब सॉरी भोजपुरी आता है, भोजपुर के ही हैं, गर्दन पकड़ लेते हैं हम लोग, फफेली बोलते हैं, नरेटी घरेटी यही बोलते हैं ना, पकड़ के बहुत मारेंगे आंसर नहीं किया तो, समझा। हाँ आ जाओ, इस सवाल को करते हैं। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 1/9 है और वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर प्रतिशत के बराबर है, दर प्रतिशत क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंटेज पर एनम, द रेट परसेंट पर एनम इज। चलिए करिए इस सवाल को, करके बताइए क्या होगा। अगर मैं बोलूं मेरा 9 का प्रिंसिपल है, 9x का प्रिंसिपल है, तो जो मेरा ब्याज होगा वो क्या होगा, इस 9x का 1/9 मतलब x, 9 से 9 खत्म हो गया मेरे लाल। अगर मैं मान लूं कि मेरा प्रिंसिपल 9x है तो ब्याज कितना होगा, x। मुझे फॉर्मूला याद है कि जो SI होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा सॉरी, एक्स मेरा इंटरेस्ट है, 9x मेरा प्रिंसिपल है, रेट मेरा नहीं पता है और टाइम मेरा नहीं पता है, लेकिन एक बात पता है कि जो नंबर ऑफ ईयर है वो इक्वल है रेट परसेंटेज के। अगर मेरा पी प्रतिशत का रेट है तो पी ईयर का टाइम है, तो मैं मान लेता हूं कि रेट भी वाई परसेंट है और टाइम भी वाई ईयर्स है, ये बटा 100 होगा। एक्स से एक्स खत्म हो गया, खत्म हो गया। हाँ सर, अब मैं बोलूं कि ये क्या है, 9y² / 100 × 1, 9y² = 100, y² = 100/9, y = 10/3। कैसे, तो ये स्क्वायर रूट हो गया 100/9 का, तो y बराबर आया 3 सही 1/3%। अगर रेट होगा तो 3 सही 1/3%, और अगर टाइम होगा तो टाइम होगा आपके 3 सही 1/3 ईयर्स। क्लियर, एकदम क्लियर है सर, कोई भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं है। तो आते हैं मेरे लाल अगले सवाल पर, ये सवाल आपका है 3 करोड़ का। इसके बाद आप हो जाएंगे भारत में सबसे ज्यादा जीतने वाले पैसे। आइए करके बताइए आंसर क्या आएगा आपका। दो सवाल हमारे बचे हुए हैं, मैं एक सवाल कराऊंगा, एक सवाल दूंगा होमवर्क। तो पहले इस सवाल को करते हैं। बोला है ए एक लेख को बी, लेख नहीं आर्टिकल, वस्तु होना चाहिए यहां पे, एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी से सी को 25% लाभ पर बेचता है, तदनुसार उस वस्तु के लिए 1200 रुपये सी देता है, प्रारंभिक लागत मूल्य बताए। बीस परसेंट का मतलब होता है 20/100, और जब 20 × 5 = 100 काटोगे, 2 × 5 = 10, तो यह आएगा 1/5। अगर मैं मान लू कि ए रुपए में ही खरीदा तो उसका प्राइस 5 होगा, उस पर 1 का प्रॉफिट हुआ होगा, तो 5 के ऊपर 1 का प्रॉफिट, तो 6 में बेचा होगा तो आर्टिकल 6/5 में बिका होगा। आर्टिकल 5 के ऊपर 1 का प्रॉफिट होके
6/5 में निकला होगा। जी हाँ सर। उसके बाद ये बी के पास चला गया होगा। तब तक बी बोला हम तो और तेज आदमी है, 25% कमाएंगे। तो 1/4, अगर बी का 25% का मतलब होता है 25/100, काट दिए तो 1/4। अगर 4 यूनिट प्राइस होगा तो 1 का फायदा ले रहा होगा बी, हाँ, तो 5/4 में बी बेच रहा होगा। और जब बी बेचा सी के पास पहुंचा तो 1200 में बिका है। तो 5 से 5 खत्म, 6 से काटा, 6 दूना 12, 200, 4 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो ए बराबर होगा 4 × 2, 800। तो 800 रुपये में मेरा ए खरीदा था, फिर वो 20% कमा के बेचा था बी को, और बी 25% कमा के बेचा था सी को 1200 में। क्लियर है? जी सर। चलो तो आज का आखिरी सवाल आपके सामने है मेरे लाल, वो है ये। देखो मेरे भाई, मेरे को थोड़ा सा समय का अभाव है, आप इसके लिए माफ करना, इस समय के अभाव में आपकी लंबी क्लास भी मैं शूट कर रहा हूँ और ये क्लास भी दे रहा हूँ। मेरे ऑलरेडी SSC CGL के क्लासेस चलते हैं, आपके BSSC का भी क्लास चलता है, और भी एक एरिथमेटिक स्पेशल भी चलता है मेरे, और बूस्टर मतलब मेंस का एक बूस्टर कोर्स भी चलता है, काफ़ी सारे पेड बैचेस भी मुझे चलते हैं, उसमें भी हजारों में बच्चे हैं। अब जो बच्चे पैसा पे करते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, वो लोग ना, मैं सच बता रहा हूँ, वो पैसा देने के बाद बहुत परेशान करते हैं, वो कॉल करते हैं सर से बात कराओ, मैं बोलता हूँ यार पढ़ने दो, तो मैं मना कर दूँ, अभी बात नहीं करूँगा किसी से, अब मैं बात नहीं करता, क्योंकि बात करूँ तो मैं आपकी यूट्यूब की क्लास, अपनी वो यूट्यूब की क्लास, फिर पेड बच्चों का मतलब जो ऐप की क्लास, मैं कैसे 6 क्लासेस दूंगा भाई। तो मैं मना कर दिया कि अभी मैं बात किसी से नहीं करूँगा, तो अब मैं थोड़ा बात करना कम कर दिया हूँ, बात बहुत कम कर दिया हूँ, अब मैं क्लास लेता हूँ, जैसे आपका ये क्लास लेके बंद करूँगा, फिर मेरे को एक लगातार 3 घंटे की एक क्लास होगी, उसके बाद मैं आपका रिकॉर्ड करूँगा, परसेंटेज मतलब एक चैप्टर है उसको रिकॉर्ड करूँगा, ढंग से रिकॉर्ड करूँगा अच्छे से, फिर आपको 1:12 पर अपलोड करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय सभी को। आपको ये, आपको इसका जो वो PDF लिखा हुआ है ना, ये टेलीग्राम पे डाल देंगे।